The question says, two slits separated by a distance of 1 mm are illuminated by red light of wavelength 6.5 into 10 raised to minus 7 meter. The interference fringes are observed on a screen placed at 1 meter from the slits. The distance between the third dark fringe and the fifth bright fringe on the same side. Guys, they have said same side. तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. अगर उन्होंने बोला होता ऑपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड तो हम डिस्टेंसेस को ऐड करते, ठीक है. सो ये एक चीज याद रखना हमेशा काम आएगा. सो हियर द डिस्टेंस इज फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज यानी 5 टाइम्स द फ्रिंज विथ माइनस द थर्ड डार्क फ्रिंज सो 3 माइनस हाफ टाइम्स द फ्रिंज विथ. तो जो हम पाथ डिफरेंस के लिए यूज करते हैं वही लॉजिक यूज करते हैं. ब्राइट बोला तो जो इंटीजर बोला है वही, और डार्क बोला तो जो इंटीजर बोला है माइनस हाफ करके यूज करना है यहाँ पे. दैट मीन्स 5x माइनस 2.5x सब्ट्रैक्ट करने पर डेफिनेटली ये होगा 2.5x. अब हमें पता है x है फ्रिंज विथ विच इज लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो ये हो जाएगा 2.5 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी यानी 2.5 इंटू लैम्बडा होगा 6.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 इंटू कैपिटल डी है 1 मीटर और स्मॉल डी है 1 मिलीमीटर यानी 10 रेस टू माइनस 3. अब हमें यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना है. इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 ओवर हियर 2.5 इंटू 4 हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 6.5 हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 हो जाएगा, करेक्ट. सो यहाँ पे 4 वन्स आ 4, 25 बचा तो 4 सिक्स आ 24, 10 बचा तो 4 टूज आ 8 एंड 4 फाइव आ 20. ये होगा यानी हमारा वैल्यू होगा 1.625 mm और राउंडेड ऑफ टू 1.63 mm एंड ये होगा हमारा फाइनल आंसर.